अलैकुम, आप लोग कैसे हैं? आज मैं एक ट्यूटोरियल दिखाऊंगी आप लोगों को, डीआईवाई ट्यूटोरियल। इस डीआईवाई ट्यूटोरियल में आप लोग ऑर्नामेंट्स बनाओगे स्टायरोफोम से। तो मैं पहले बताती हूँ कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें चाहिए। पहले सबसे मेन पार्ट ग्लू स्टिक, और आप लोग ग्लू ट्यूब नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ग्लू स्टिक ग्लू ट्यूब ना सारी ना चिपचिप जाएगी, तो ग्लू स्टिक आपने यूज़ करनी है। फिर हमें चाहिए स्टायरोफोम, ठीक है? तो आप कोई भी शेप ले सकते हैं स्टायरोफोम की। मैंने इसको ये स्क्वायर शेप लिए क्योंकि मुझे मतलब बॉल शेप नहीं मिली, लेकिन बॉल शेप इज़ द बेस्ट वन। तो ऑर्नामेंट्स के लिए सबसे अच्छी शेप वैसे वही होती है, बॉल होती है। फिर आपको चाहिए फ्लावर पंचर। देखिए, फ्लावर पंचर्स क्या होते हैं? पंचर्स होते हैं, जैसे पंच नहीं करते फायर्स, लेकिन वो ना फ्लावर टाइप मिलते हैं। तो आप कोई भी ले सकते हैं, मेरे पास सर्कल भी है और स्टार भी है, लेकिन फ्लावर पंचर सबसे अच्छा लगेगा, तो उसका फ्लावर पंचर लेंगे। फिर हमें चाहिए बीड्स डेकोरेट करने के लिए। तो ये छोटे छोटे बीड्स हैं, आप देख सकते हैं, बहुत छोटे से हैं, तो छोटे चाहिए। और फिर उसके बाद हमें कलर पेपर चाहिए। आप ग्रीट कार्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, एनी टाइप ऑफ पेपर, लेकिन सबसे बेस्ट कलर पेपर है जो मतलब थिन सा है, थिक ना हो, क्योंकि जो हम लोग पंच करेंगे तो थोड़ा ना मतलब मुश्किल हो जाएगा अगर वेफर कार्ड्स होंगे। ओके, सो फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि हमने ना ये पूरी जो है ना कैसे ऑर्नामेंट इसको बनाएंगे, हमने ये जो वाइट सा स्टफ है इसको ना हमने ना छुपाना है। कैसे छुपाएंगे? हम लोग ना बहुत सारे फ्लावर्स पंच करेंगे। आपको अंदाज़ा होगा कि कितने पंच करने हैं, क्योंकि आप अगर आपकी बड़ी बॉल होगी या स्क्वायर तो फिर आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे, लेकिन इतनी बॉल के लिए भी बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो मैं अब ये पंच करूँगी। देखिए, इसको अंदर डालेंगे और फिर करेंगे, ठीक है? तो मैं जब हो जाएगा तो मैं आप लोग को दिखाऊँगी।